बाराबंकी जहरीली शराब कांड के मुख्य आरोपी व जिले में मिलावटी शराब के मास्टरमाइंड पप्पू जायसवाल को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। कल गिरफ्तार आरोपियों की सूचना पर पुलिस टीम ने पप्पू को अमराई पुल रामनगर पर चारों तरफ से घेर लिया था। बचाव में पप्पू ने भी पुलिस पर फायरिंग की। इस दौरान भागते समय पुलिस की गोली आरोपी के पैर में लगी, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। अभी भी एक आरोपी फरार है। पुलिस ने गिरफ्तार सुनील जायसवाल की निशानदेही पर छापेमारी की। छापेमारी में भारी मात्रा में अवैध शराब रिफिलिंग के रैपर ढक्कन बरामद हुए। बाराबंकी पुलिस ने पप्पू जायसवाल की गिरफ्तारी पर 20,000 का इनाम घोषित किया था। ये वैसे रामनगर में जो शराब कांड हुआ था, उसके बाद जो है वो कुछ आरोपी गिरफ्तार थे, कुछ फरार थे। क्या है पूरा मामला, किस तरह से आरोपी गिरफ्तार हुआ है, कुछ सूचना मिल रही है? अभियुक्त फरार था, उसके बारे में सूचना जो है रामनगर इंस्पेक्टर को और पूरी टीम को प्राप्त हुई। उस टीम के द्वारा जो है जैसे ही वहाँ पहुँचे तो मुठभेड़ हुई और मुठभेड़ के दौरान जो है एक अभियुक्त जो मुख्य अभियुक्त है गिरफ्तार कर लिया गया है और एक अभियुक्त फरार है और उसका जो मुठभेड़ में गिरफ्तार हुआ है उसको प्राथमिक उपचार किया जा रहा है और साथ ही साथ जो एक अन्य अभियुक्त है उसकी भी खोजबीन की जा रही है। क्या नाम है इसका और इसके पास कुछ रिकवरी भी हुई है, कुछ इसको चोट भी लगी है, क्या पूरा मामला? हाँ, इसका पप्पू जायसवाल है जो मुख्य अभियुक्त है और इसके पास से जो है जो रैपर हैं, बोतलें हैं और अन्य जो है मिलावट से संबंधित चीज़ें हैं वो प्राप्त हुई हैं और शेष छानबीन की जा रही है। कुछ इनाम पर इस पर घोषित किया गया था? हाँ, इस पर जो है 20,000 का इनाम था